शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर नैब का एतराज मुस्तरद। जस्टिस शहजाद मलिक पर मुश्तमिल बेंच ही समाप्त करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। नैब पर पहले ही बड़े इल्जाम लग रहे हैं, अब नैब अपनी मर्जी के बेंच बनवाएगा। माजरत खाहूं, अब ऐसा नहीं होगा। जस्टिस शमीम खान के रिमार्क्स। नैब ने जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में बेंच से ही समाप्त करवाने की इस्तदा की थी। हमजा शहबाज को लंदन में मजीद रहने की इजाज़त मिलेगी या नहीं। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज शरीफ के कयान की तौसीह से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस फरुख इरफान समाअत कर रहे हैं। बेटी को दिल का मसला है, तनहा छोड़कर नहीं आ सकता, मजीद रुकने की इजाज़त दी जाए। हमजा शहबाज साबिक वफाकी वजीर कामरान माइकल की कराची मुंतकली। नैब की टीम कामरान माइकल को नैब हवालात से लेकर कराची के लिए रवाना। एहतसाब अदालत ने साबिक वफाकी वजीर का 5 रोज़ा राहदारी रिमांड दे रखा है। कामरान माइकल पर प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम है। नैब में गिरफ्तार साबिक सीनियर वजीर अलीम खान का गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने अपनी लीगल टीम को हाईकोर्ट में केस दायर करने की हदायत कर दी। अलीम खान ने नैब के साथ मुकम्मल तआवुन किया। गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लीगल टीम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद जारी। जिले इंतजामिया ने मजीद 24 पेट्रोल पंप सील कर दिए। 15 अप्रैल को नए सिरे से नीलामी होगी। खजाने में 1 अरब से ज्यादा जमा होंगे। रायवन रोड पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन। राणा गार्डन, आजन गार्डन और मिर्जा स्टेट की 4 दीवारी और दीगर गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। गैर कानूनी तामीरात, एंटी करप्शन और LDA सफाया के लिए इकट्ठे हो गए। गैर कानूनी मलाक मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का सिलसिला भी शुरू। LDA ने ईस्टर्न मार्की के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। ऑपरेशन में पुलिस की मदद लेने का भी फैसला। मजामत पर मुकदमा दर्ज होंगे, LDA हुक्काम। फीसों में इजाफा, जुर्माने। MA कॉलेज के तलबा इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। कॉलेज के बाहर मुजाहरा, शदीद नारेबाजी की। डबल फीसें वसूल की गई, जुर्माने भी भरे, फिर भी परेशान किया जा रहा है मुजाहरीन। एहतजाज के बाद सड़कें ब्लॉक, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। इंतजामिया से मुजाकरात के बाद तलबा ने एहतजाज खत्म किया। आवाम महंगाई के घेरे में, मुर्गी के गोश्त की कीमत को फिर पर लग गए। इकट्ठा 6 रुपए इजाफा, रेट 191 रुपए से बढ़कर 197 रुपए फी किलो हो गया। सब्जियों को भी हाथ ना लगे, टमाटर 100, लहसुन 131, अदरक 166 रुपए फी किलो से कम नहीं मिल रहा। आवाम की तो चीखें निकल गईं। सफाई का अबतर निजाम, गैर मयारी अशिया की फरोख। आवामी शिकायत पर मेंबर प्राइस कंट्रोल कमेटी आबिद मीर का इकबाल टाउन सब्जियों फ्रूट मंडी पर छापा। सेक्ट्री मार्केट कमेटी राहिला रजा की सरजनिश, मुतादिद स्टोल्स मालिकान को नोटिस जारी। कूड़ा करकट नालों में ना फेंकें, वासा का शहरियों से मुतालबा। आगाही के लिए दस्तावेजी फिल्म भी जारी कर दी। वीडियो समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपलोड। जिम्मेदार शहरी होने के नाते नालों में सॉलिड वेस्ट ना फेंका जाए, वासा हुकाम का वीडियो पैगाम। गैर कानूनी तौर पर दरख्त काटने वाले बाज आ जाएं, अब पहले से भी ज्यादा जुर्माने हो सकते हैं। जुर्मानों में 3% इजाफा किया जाए, समरी तैयार। दरख्त हमारा असासा है, जितना पुराना दरख्त होगा उस हिसाब के जुर्माना किया जाएगा। वजीर जंगलात सप्तैन खान। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सुबह भर के अस्पतालों में जारी तरक्याती मंसूबे मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए महकमा सेहत को दुरुस्त सिमत में ले जा रहे हैं। वजीर सेहत की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले।
पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली का खतरा लाहक, पानी का मसला भी दरपेश है। आने वाली नस्लों को और ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। वजीर मुमलिकत माहौलियात जरताज कुल का फातिमा जनाह मेडिकल कॉलेज में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के हवाले से तकरीब से खिताब, कॉलेज में पौधा भी लगाया। यौम कश्मीर पर छुट्टी नहीं काम करना चाहिए, जो आमदन हो कश्मीरी भाइयों को दी जाए। नून लीग ने कश्मीर डे पर सरकारी छुट्टी बंद करने और कश्मीर फंड के क्याम के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी। रेलवे वर्कर्स यूनियन CBA के इलेक्शन, पोलिंग का अमल जारी। यूनियन के चार ग्रुप्स में कांटेदार मुकाबला, वोटर्स के हमायती उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी। क्रिकेट दीवाने हो जाएं तैयार, PSL का मेला सजने को है तैयार। 9, 10 और 12 मार्च को कजाफी स्टेडियम में चौके, छक्कों की बहार। टिकट्स की कीमतों का फैसला भी कर लिया गया। मैचेस की टिकट्स 500 से 12,000 रुपए तक दस्तयाब होंगी। नडल बेबाक कानून की दुनिया में ऊंचा नाम, इंसानी हकूक की अलमबरदार और मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर को बिछड़े एक साल बीत गया। आसमा जहांगीर इंसानी हकूक कमीशन की सरबराह के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर भी रहीं। इकवाम मुतहदा ने इंसानी हकूक 2018 के अवार्ड से नवाजा। शहर में आइंदा 24 घंटों में बारिश, महकमा मौसमियात ने फिर पेशगोई कर दी, ठंड भी बढ़ेगी।